हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, इसरो यूआरएससी की ओर से आईटी पास विद्यार्थियों के लिए रिसेंटली 142 पदों पर टेक्नीशियन बी की रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर इसका लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गया था, प्लीज़ आप कट ऑफ बता दीजिए और क्वेश्चन पेपर है तो वो भी अवेलेबल करा दीजिए। तो गाइज इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा कितना कट ऑफ गया था और लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम पैटर्न अलग था उस समय कम क्वेश्चन पूछा गया था और एक सही उत्तर पर 3 मार्क्स मिला था और गलत उत्तर पर 1 मार्क्स कटने का प्रावधान था। लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, अभी आप सभी को पता होगा कुल 80 प्रश्न पूछा जाएगा, ट्रेड से ही पूछा जाएगा, सही उत्तर के लिए 1 मार्क मिलेगा और निगेटिव मार्किंग 0.33 है। उस टाइम कुछ और था, तो मैं आप लोगों को कटअप दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और अप्लाई करने के लिए ITEducation.com वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। ITEducation.com पर कटअप के भी रिगार्डिंग सारा पोस्ट किया जाता है, तो आप लोग कटअप के सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे को पता नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे मैं कटअप के सेक्शन में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ पर आप सभी को कटअप भी पता चल जाता है, तो उस सेक्शन से आप लोग चेक कर लीजिएगा। गाइज सबसे पहले मैं इसका पेपर दिखा देता हूँ आप सभी को। तो गाइज देख सकते हैं 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं जो जो ट्रेड का था मेरे पास मैंने उसी समय अवेलेबल करा दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल का ये पेपर है, 2022 में एग्ज़ाम हुआ था नवंबर महीने में, देख सकते हैं यू आर राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा हुआ था। तो ये पेपर ITEducation.com पे अवेलेबल है, पूरा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कितना क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो जो ट्रेड का था मेरे पास मैंने अवेलेबल करा दिया। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन पूछा था, पूरा ट्रेड का क्वेश्चन था। और गाइज देख सकते हैं ये है रिजल्ट वाला पीडीएफ, सभी ट्रेड का अलग अलग पीडीएफ रिलीज किया गया था। देख सकते हैं ये फिटर ट्रेड का है, यहाँ पे देख सकते हैं फिटर ट्रेड का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था, ऑफिशियल पीडीएफ है। यहीं पे नीचे में कटअप के बारे में जानकारी दिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने इसी को मैंने अपने वेबसाइट पर पोस्ट किया था, वहाँ पर सारा ट्रेड को मैंने एक साथ में अटैच कर दिया था, लिख दिया था। तो मैं अपने वेबसाइट पर ही ले चलता हूँ, वहीं पर आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी सभी जो ये पीडीएफ है सभी ट्रेड का अलग अलग रिलीज किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग रिजल्ट वाला पीडीएफ भी ITEducation.com पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप लोग चेक कर सकते हैं, उस समय का वो भी अपलोड है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। ये फिटर ट्रेड का पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिखा दिया हूं, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट को विश्वास नहीं होगा कि आपने सर अपने से लिख लिया, ऐसा नहीं है, सभी ट्रेड का अलग अलग पीडीएफ रिलीज किया गया था। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं www.ITEducation.com वेबसाइट से कटअप वाले सेक्शन में, देख सकते हैं ये 2023 का कटअप मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ, 2023 में ही रिजल्ट आया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वैकेंसी कब आया था, तो टोटल 102 पदों पे वैकेंसी ये जो आया था फरवरी माह में आया था, 2020 में आया था। फॉर्म भरने का लास्ट डेट था 6 मार्च 2020 में, इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। इसका ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा 3 नवंबर 2022 गुरुवार को आयोजित कराया गया था, जिसका रिजल्ट 20 जनवरी 2023 को इसका रिजल्ट जारी किया गया, ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया गया। कब जारी किया गया? 20 जनवरी 2023 को, उसी समय कटअप के बारे में ही बताया गया था। और देखिए उस टाइम जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो 60 क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेड थ्योरी का पूरा क्वेश्चन था, 90 मिनट का समय मिला था 1.5 घंटे का, और सही उत्तर होने पे 3 मार्क मिला था यानी, और निगेटिव मार्किंग 1 था यानी कि गलत उत्तर होने पे 1 मार्क्स काटने का प्रावधान था। कुल 180 मार्क्स का पेपर हुआ था गाइस, और जो कैंडिडेट इसमें पास हुए थे उनका अगला स्किल टेस्ट था, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का था। तो उस समय का पैटर्न ये था, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछा गया था 180 मार्क्स का, सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स, गलत उत्तर होने पे 1 मार्क्स काटा जाएगा, और 60 क्वेश्चन को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया गया था। लेकिन अभी जो एग्जाम होगा अभी वाले में आप लोग का 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा ट्रेड का रहेगा, सही उत्तर होने पे 1 मार्क मिलेगा और गलत उत्तर होने पे 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा, अभी जो होगा वो वाला, और ये लास्ट टाइम का था। तो अब देखिए कटअप मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना कटअप गया था, आप सभी के सामने में ये है, देख सकते हैं ऑफिशियल कटअप ट्रेड वाइज। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अनरिजर्व कैटेगरी में 145 गया था, और ये कटअप कितना है आउट ऑफ 180 मार्क्स, यानी कि 180 मार्क्स में है आउट ऑफ 180, चूंकि 60 क्वेश्चन था सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स, तो 180 हो गया, तो 180 मार्क्स पे ये कटअप है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन में 145 गया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, ओबीसी का 140 गया था, ईडब्ल्यूएस में 140 गया था, एससी कैटेगरी में 141 गया था, एसटी कैटेगरी में 132 गया था, और एक सर्विसमैन में 51 गया था।
उसी तरीके से फीटर ट्रेड में देखिएगा तो अनरिजर्व में 137 गया था, ओबीसी में 128 गया था, ईडब्ल्यूएस में 115 गया था, एससी कैटेगरी में 116 मार्क्स गया था, एसटी कैटेगरी में 104 गया था और एक सर्विस मैन में 52 गया था। ये आप लोगों का फीटर ट्रेड का। टर्नर ट्रेड का देखिएगा तो ओबीसी में 123 मार्क्स गया था, एससी कैटेगरी में 121 गया था और एक सर्विस मैन में 41 गया था। और यहाँ पे ये जो ब्लैंक देख रहे हैं तो ये ब्लैंक ही था, रिजल्ट वाला जो पीडीएफ है उसी के अनुसार यहाँ पे डाटा लिया गया है। मशीनिस्ट ट्रेड में देखिएगा तो अनरिजर्व में 164 मार्क्स गया था कटअप। प्लम्बर ट्रेड में देखिएगा तो अनरिजर्व में 100 मार्क्स गया था कटअप, ओबीसी में 88, एससी कैटेगरी में 84 और एसटी में 51 गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अनरिजर्व में 101 गया था कटअप, ओबीसी में 85 गया था, ईडब्ल्यूएस में 44 गया था, एससी कैटेगरी में 76 गया था और एसटी कैटेगरी में 64 गया था और पीडब्ल्यूबीडी में 33 और एक सर्विस में 32 गया था आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कटअप। और आरएसी की बात करूँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की, अनरिजर्व में 116 गया था, ओबीसी में 102 मार्क्स गया था, एससी कैटेगरी में 104 गया था, एसटी में 56 गया था और यहाँ पे देख सकते हैं और भी अदर ट्रेड का। तो गाइज ये देख सकते हैं ये है कटअप, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आया था इसरो यूआरएससी का, तो मैंने आप लोगों को कटअप दिखा दिया हूँ और ये कटअप आउट ऑफ 180 मार्क्स है, यानी कि 180 मार्क्स पे ये कटअप है। उस समय 3 मार्क्स का प्रावधान था, अभी 1 मार्क्स ही मिलेगा। तो ये है आप लोगों का लिए कटअप, बाद बाकी आप सभी बोल रहे थे कटअप बता दीजिए तो मैंने आप लोगों को कटअप बता दिया। बाद वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। पेपर वगैरह सारा चीज़ आप लोग itEducation.com पे मिलेगा, आप लोग नहीं विजिट करते हैं लेकिन मैं आप लोग को बोलूँगा आप लोग विजिट कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है आप सभी के लिए वेबसाइट, सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग वहाँ पर नहीं विजिट करते होंगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों से मिस हो जाते होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट विजिट करते होंगे पता होगा उनको कितना फ़ायदा पहुँचता है। तो आप सभी जितना भी पीडीएफ वगैरह प्रीवियस पेपर कटर मार्क्स सारा पीडीएफ वहाँ पे अपडेट किया जाता है, तो आप सभी विजिट कर लीजिए itEducation.com, वहाँ पे सारा डिटेल ये सभी मिल जाएगा।